तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम चौहान और आप देख रहे हैं इसके कार वर्ल्ड। और आज हमारे साथ है ह्यूंडई की i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट है और ये इसकी हमें चाबी मिलती है, जो कि इसके अंदर एक फ़िज़िकल की मिलती है, एक आपको रिमोट की मिलती है। एक्चुअली ये फ़िलिप की भी है, इसके अंदर आपको एक फ़िलिप की भी मिल जाती है। अब देखो, बात करते हैं इसके सबसे पहले इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की। तो डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो पुरानी i20 थी और इस i20 में टोटल ही डिफरेंस कर दिया गया है और पूरी तरीके से इसे बदल दिया गया है। अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके, देखो फ्रंट ग्रिल की, देखो फ्रंट ग्रिल जो है काफ़ी अग्रेसिव इसे डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर किसी प्रकार की आपको क्रोम जो है नहीं मिलती। आपको इसके अंदर जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो डार्क के अंदर दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। इसके पास ही जस्ट आपको देखने को मिलेगा ह्यूंडई का लोगो, जो कि क्रोम के अंदर दिया गया है। इसके नीचे यहाँ पर आपको फ्रंट में फ्रंट नंबर लगाने की जो जगह है वो दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट यूनिट की। देखो हेडलाइट यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब दिया जाता है, जो कि हाई बीम और लो बीम का यही काम करता है। इसके पास ही जस्ट आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिया जाता है, ये भी आपको हेलोजन के अंदर दिया जाता है। अब जस्ट इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसके फोग लैंप दिए जाते हैं, जो कि प्रोजेक्टर फोग लैंप आप इसके अंदर दिए जाते हैं। यहाँ पर इसके DRLs मिलते हैं, ये आपको LED के अंदर मिल जाते हैं। फ्रंट बोनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ क्रीजेज मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर आपको एक क्रीज मिल जाती है, इस तरफ भी आपको एक क्रीज मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक जो डिज़ाइन लैंग्वेज है हम इसे कह सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको इसका वेंट्स वगैरह और दिए जाते हैं और ये स्पोर्ट्सी इसको डिज़ाइन जो है एलिमेंट मिल जाता है। टोइंग हुक के लिए यहाँ पर आपको जगह दी जाती है। अब साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल में जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारी नज़र है वो जाएगी हम इसके जो अलॉय व्हील है उन पर हमारी नज़र जाएगी। अलॉय व्हील जो आपको नॉर्मल अलॉय दिए जाते हैं, ना कि इसमें आपको डायमंड कट या मशीन कट अलॉय व्हील नहीं दिए जाते। जो अलॉय व्हील है ये काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किए गए हैं और अगर टायर साइज़ की बात करें तो आपको R16 इंच के अंदर इसके अंदर आपको टायर जो है मिल जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो इसका ORBM है ये काफ़ी स्लीक सा और इसकी साइज़ जो है काफ़ी लंबी दी जाती है, क्योंकि ये एरोडायनेमिक की तौर पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर ORBM के जो साइज़ की बात करें तो अच्छा खासा आपको साइज़ मिल जाता है, काफ़ी बड़ा इसके अंदर आपको साइज़ मिल जाता है। देखने में आपको विजिबिलिटी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। अब अगर देखो इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो इसके चारों तरफ आपको बहुत सारी क्रीज जो है लाइनें जो हैं वो मिल जाती हैं, जो कि देखने में काफ़ी जो सुंदर है, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगती है। अब यहाँ पर साथ में इसके जो ये क्रोम पट्टी आप देख रहे हो ये भी आपको दी जाती है, जो कि देखने में सुंदर लगती है। अगर डोर हैंडल की अगर बात की जाए तो ये आपको डोर हैंडल है, ये आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं और ये इसके अंदर किसी प्रकार का आपको रिक्वेस्ट सेंसर टाइप कोई चीज़ जो है वो नहीं देखने को मिलती है। और पीछे की डोर की बात करें तो वो भी आपको बॉडी कलर के अंदर इसका डोर हैंडल जो है मिल जाता है। अब इसके बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो देखो बैक प्रोफाइल में है, देखने पर ये कार जो है काफ़ी चौड़ी नज़र आएगी, एक्चुअली काफ़ी वाइड नज़र आएगी, जिससे आपको ये पता लगेगा जो कार है इसके अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा कंपनी ने दिया है एक्चुअली। अब देखो दो पार्किंग सेंसर इसके अंदर मिल जाते हैं। अब बहुत सी कंपनियां जो चार पार्किंग सेंसर देती है, एक्चुअली इसमें भी आते थे पहले, लेकिन अभी कंपनी ने क्या है ये जो हटा दिया गया है, इसकी जगह कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर आपको देख रहे हो ये जो बैक कैमरा जो है ये यहाँ पर दे दिया गया है, जिसकी वजह से आपके सेंसर जो है बैक पार्किंग सेंसर के साथ साथ आपको जो कैमरा है इससे आपको गाड़ी को पार्क करने में या रिवर्स लेने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है नहीं होगी। अगर होती भी है तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर ये सेंसर आपको सेंस करके बता देंगे, या फिर कुछ ऐसी जगह जो आपको अंदर डिस्प्ले है उसके अंदर दिखा देंगे। 8 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है। और इसके नीचे आप देखोगे तो काफ़ी स्पोर्टी सा एलिमेंट जो आपको यहाँ पर दिया गया है ब्लैक कलर के अंदर, एक्चुअली शाइनी ब्लैक इसे कह सकते हैं हम। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ह्यूंडई का लोगो जो है वो मिल जाता है। किसी भी प्रकार का आपको वाइपर इसके अंदर नहीं मिलता है, डिफोगर जरूर इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो जो है दिया जाता है। और यहाँ पर इसकी हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सर्फिंग एंटीना भी मिल जाता है। अब टेल लाइट की अगर बात करें तो ये आपको स्मोकी डिज़ाइन के अंदर दी जाती है, LED मिल जाती है, और जो इंडिकेटर जो है इसका वो आपको हेलोजन के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर इसकी आपको पार्किंग लाइट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये है स्पोर्ट्स का इसका लोगो यहाँ पर मिल जाता है। इस तरफ आपको मिलता है i20 का लोगो, जिससे आप देखने पर बता सकते हो ये कौन सा वेरिएंट है और ये कौन सी कार है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको रिफ्लेक्टर जो है दिए गए हैं, और काफ़ी बड़े रिफ्लेक्टर एक्चुअली
दिए गए हैं। अब देखो अगर इसके बूट की बात करें तो बूट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्चुअली सेंसर जो है मिल जाता है, इसको जैसे उठाओगे ये अपने आप ही ऊपर हो जाता है और काफ़ी वाइड इसकी ओपनिंग जो है आपको मिल जाती है। देखो बूट बूट लिड की अगर बात करें तो बूट लिड जो है आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर दिया जाता है और बूट को बंद करने के लिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा स्पेस जो है वो मिल जाता है, आप देख रहे हो। तो एक्चुअली ये प्लास्टिक ही है लेकिन अच्छा लगता है जब ये वेल्ड कवर होता है। एक्चुअली बहुत सी कंपनियाँ जो इस मामले में पीछे रह जाती है लेकिन वहाँ पर ये कहीं ना कहीं बाजी मार जाती है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब पार्सल ट्रे की बात करें तो पार्सल ट्रे में आपको यहाँ पर जो है हुक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्सल ट्रे जब भी आप बूट लीड को ओपन करते हो पार्सल ट्रे जो है अपने आप ही ऊपर चली जाती है। अगर पार्सल ट्रे की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी एक्चुअली दी गई है। अब देखो बात करते हैं हम इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस जो है आपको अच्छा खासा बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। 360 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। इस तरफ आपको एक हुक मिलता है, इसमें आप अपने सामान वगैरह टांग सकते हो, इस तरफ भी आपको एक टोइंग हुक मिल जाता है। अब बूट की अगर बात करें तो अच्छे तरीके से ये जो बूट है आपको वेल कवर एक्चुअली मिलता है। और सीट की बात करें तो ये आपको 60-40 रेशो में जो है स्प्लिट नहीं मिलती। एक्चुअली स्प्लिट तो आप इसे कर सकते हो पर 60-40 जो है आप उसे नहीं कर सकते। अगर बूट लिफ्ट की बात करें तो बूट लिफ्ट जो है आपको लगभग इतनी मिल जाती है। और हम अगर बात करें इसके स्पेयर व्हील की, जो स्पेयर व्हील है वो आपको इसके नीचे जो है आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। और स्पेयर व्हील की अगर साइज़ की बात करें तो एक साइज़ छोटा स्पेयर व्हील आपको मिलता है, 15 इंच का आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील जो है वो मिल जाता है। बूट को ओपन करने के यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक स्टड्स जो है वो दिए जाते हैं, जिससे बूट को ओपन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। ओवरऑल कोई भी चीज़ आपको अच्छी तरीके कोई भी चीज़ एक्चुअली आपको ओपन नहीं मिलती है, सब जो चीज़ें हैं आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर मिलती हैं, जो कि है देखने में जो आपको अच्छा लगता है, किसी प्रकार की ऐसे अनसेंस टाइप जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आपको नहीं मिल दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रियर सीट की। जो ये डोर हैंडल है ये बॉडी कलर में दिया गया है, ओपन कीजिए और अगर हम डोर ओपनिंग की बात करें एक्चुअली तो क्वाइट डिसेंट ओपनिंग है। देखो है ना, डिसेंट ओपनिंग दी गई है। और अगर हम डोर ट्रिम की बात करें तो डोर ट्रिम के अंदर हमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है। देखो डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर आपको डोर लीवर जो है वो दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिया गया है और इसे आप ग्रिप कर दरवाजे को बंद भी कर सकते हो। पावर विंडो का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। इसके नीचे जो आपको एक वाटर होल्डर भी दिया गया है और यहाँ पर जो है स्पीकर ग्रिल दी गई है। एक्चुअली जो स्पीकर ग्रिल का जो मुझे डिज़ाइन आप मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। और भी एक कंपनियाँ हैं जो इस सेगमेंट में कार निकाल रही है पर ये मुझे अभी तक तो उन सब में अच्छा ही लगा है। अगर प्लास्टिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल देखो मुझे जो है देखने में अच्छा लगा। और फिट एंड फिनिश लेवल की अगर बात करें तो हाँ, फिट एंड फिनिश हुंडई की जैसी होती है, हमेशा सी बढ़िया ज़बरदस्त इसके अंदर मिलती है। अब सेकंड रो की सीट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जो थाई स्पोर्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो थाई स्पोर्ट जो है आप देख सकते हैं, थाई स्पोर्ट अच्छा खासा थाई स्पोर्ट मिल जाता है। पहली बात सीट जो है काफ़ी वाइड एक्चुअली है और उसके बाद जो ये सीट जो है ना ये ऐसे थोड़ी ऐसे उठी हुई है, जिसकी वजह से आपको थाई स्पॉट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं मिलती। एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इसके अंदर लगी वो है इसके अंदर जो पीछे बैठने के लिए जो 3 पैसेंजर जो बैठेंगे उनके लिए तीनों के लिए एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर और देखते हैं इसके अंदर स्पेस कैसा है। दरवाजे को करते हैं बंद, अब देखो दरवाज़ा बंद हो गया है। अगर अब हम बात करें इसके लेग रूम की तो एक्चुअली देखो लेग रूम बेहतरीन लेग रूम मिलता है, ज़बरदस्त लेग रूम मिलता है। एक्चुअली किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है मुझे लेग रूम में तो बिल्कुल नहीं लगी। अब अगर हम बात करें नी रूम की तो नी रूम तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। एक्चुअली इस वीडियो में भी आपको अच्छी तरीके से दिख ही रहा होगा कि जो एक्चुअली जो लेग रूम है नी रूम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब पीछे क्या क्या सुविधा हमें मिल जाती है हम उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंटर कंसोल की, तो देखो सेंटर कंसोल में आपको जो एसी है आर्मरेस्ट के अंदर वो मिल जाती है और
इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक यूएसबी टाइप ए का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिल जाता है जो आप मोबाइल वगैरह यहाँ पर अपना जो है रख सकते हो। अब अगर हम बात करें इस तरफ तो आपको ये एक ग्रिप हैंडल जो है वो मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लाइटिंग जो है वो दी जाती है, और लाइटिंग जो है एक्चुअली ये हेलोजन के अंदर ही आपको मिल जाती है। पीछे मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, हेडरेस्ट जो है आपको तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल मिल जाता है, और उसके साथ ही सेफ्टी का भी इसके अंदर ध्यान रखा गया है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है उसकी सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब देखो बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो देखो डैशबोर्ड जो है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। देखो सभी अलग अपनी अलग अलग पसंद है। अब मुझे नहीं पता आपको कैमरे में देखने पर ये कार का जो डैशबोर्ड आपको कैसा लग रहा है एक्चुअली, लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो ये डैशबोर्ड मुझे काफ़ी पसंद आया, और पूरा ही ब्लैक ट्रीटमेंट इसके अंदर दिया गया है, लेकिन जो डैशबोर्ड है वो मुझे पसंद आया, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक आपको एक्चुअली ये डिज़ाइन लगेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट रो की। फ्रंट डोर खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप इसका जो लीवर है डोर लीवर वो खींचेंगे, जो कि बॉडी कलर में मिलता है। और डोर ओपनिंग की अगर बात करें तो देखो डोर ओपनिंग जो है काफ़ी आपको वाइड इसके अंदर मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको बैठने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो होगी। अब अगर हम बात करें इसके डोर की, तो डोर एक्चुअली बड़ा काफ़ी है, जिसकी वजह से आपको जो डोर ओपनिंग है उसके अंदर काफ़ी स्पेस जो आपको मिल जाता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगी। अब देखो डोर ट्रिम की अगर बात करें तो डोर ट्रिम जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स का जो डोर लीवर है वो यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो की जो बटन है ये वो मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ORBM के बटन मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक, डोर लॉक, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस और दिया गया है, और ग्रिप भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब इसके नीचे यहाँ पर आपको वाटर होल्डर मिलता है, कुछ स्पेस आपको इस तरफ भी मिलता है, और इसी के पास में आपको मिलती है जो म्यूज़िक सिस्टम के लिए जो स्पीकर ग्रिल है वो आपको इसके पास में मिल जाती है, जिसका डिज़ाइन मैंने पहले भी कहा मुझे बहुत पसंद आया था, आपको भी आएगा। अब देखो डोर के जो प्लास्टिक मटेरियल की बात करें, मैंने पहले बताया था आपको प्लास्टिक मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, और फिट एंड फिनिश लेवल की अगर बात करें तो बेहतरीन इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कितने प्रकार का जो प्लास्टिक मटेरियल एक्चुअली यूज़ किया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, यहाँ पर अलग प्लास्टिक है, ठीक है, दो प्रकार के प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर इसके अंदर आपको ट्विटर मिल जाता है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर का इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको तीनों जो इसके पेडल हैं ABC वो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको डेड पेडल भी प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाता है। और अगर हम सीट के एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो देखो सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो, और सीट को आगे और पीछे भी आप कर सकते हो, मतलब कि आप चाहो तो अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए आपको किसी प्रकार की इसके अंदर प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। अब सीट के मटेरियल की बात करें तो फैब्रिक ही मिलती हैं, और अगर इसके थाई सपोर्ट की अगर बात करें तो क्या ही थाई सपोर्ट मिल जाता है, एक्चुअली ज़बरदस्त थाई सपोर्ट मिलता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो आपको नहीं होगी। सीट भी ऐसी उठी हुई है और इतनी जगह आपको एक्स्ट्रा मिलती है, थाई सपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैंने इसके अंदर फील की है। अब चलिए बैठते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर कैसा स्पेस हमें मिल जाता है और क्या क्या फ़ीचर हमें मिल जाते हैं। गेट दरवाजे वो करते हैं बंद, ओके दरवाज़ा हो गया बंद, और सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो की है हम उसे इसकी जगह पर लगा देते हैं, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को करते हैं ऑन। तो की लगाने के लिए आपको यहाँ पर जो स्पेस आप देख रहे हो ये आपको मिल जाता है। की को जैसे आप ऑन करोगे आप देखोगे इसका ब्यूटीफुल फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके अंदर मिलता है, और क्या ही इसके अंदर जो इसकी लेआउट जो है इतना ब्यूटीफुल आपको इसके अंदर मिल जाता है, एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल और फुल्ली डिजिटल। आपको जब आप देखोगे इसे अपनी नज़रों से तब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ ये हुंडई ने बनाई है। इसके बीचों बीच आपको यहाँ पर एक MID मिल जाती है, जिसके अंदर आप फ्यूल इकोनॉमी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्यूल कितना बचा है, सीट बेल्ट, ऐसी वगैरह बहुत सी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर इसके अंदर MID के अंदर आपको मिल जाती है। और इसके पास आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है। पर जो देखने में ये लगती है
क्या ही लगती है। एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर आपको फीचर जो है मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका जो स्टेयरिंग व्हील है, इसके अंदर आपको फोर स्पोक का स्टेयरिंग व्हील जो है वो मिल जाता है। ये आप देख रहे हो फोर स्पोक का स्टेयरिंग व्हील इसके अंदर आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको मिलते हैं इसके क्रूज कंट्रोल के और MID को कंट्रोल करने के कीज़ आपको इस तरफ दी जाती है। इस तरफ आपको जो दी जाती है इसकी जो 8 इंच की जो म्यूजिक सिस्टम की जो डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस तरफ आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, इस तरफ आपको मिलते हैं हेडलाइट के कंट्रोल, और इसके अगर बात करें यहाँ पर हम तो यहाँ पर आपको AC वेंट जो है वो मिल जाता है। एक्चुअली AC वेंट जो है बहुत ही खूबसूरत जो है बनाया गया है। और अगर हम इसके टच एंड मटेरियल की अगर बात करें तो ज़बरदस्त टच एंड मटेरियल जो है इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसकी फील जो है काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली है तो ये हार्ड प्लास्टिक ही पर है बहुत अच्छा। और अगर हम इसके फिट एंड फिनिश लेवल की अगर बात करें तो ज़बरदस्त फिट एंड फिनिश जो आपको इसके अंदर मिल जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसे Hyundai की जो जितने भी कार्स हैं उनकी जो फिट एंड फिनिश लेवल जो है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर कंसोल की। सेंटर कंसोल में सबसे पहले हमारी नज़र जाएगी ये IBM जो आपको मैनुअली मिलता है, डे और नाइट आपको इसके अंदर मैनुअली मिल जाता है। अब अगर बात करें इसके नीचे यहाँ पर जस्ट जो है आपको 8 इंच का इसका म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम में आपको 2 ट्वीटर 4 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी मुझे बेहतरीन लगी, अच्छी लगी। और जो म्यूजिक सिस्टम जो है ये 8 इंच का है, इसके अंदर जो एक और अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है इसके अंदर फिजिकल जो कंट्रोल्स है वो काफ़ी दिए गए हैं, जिससे आपको इसे यूज़ करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे वॉल्यूम हो गया, ट्यूनिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर जो है एक्चुअली फिजिकल की जो आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली आप जब कार चलाते रहते हो उस वक्त अगर आप इसे यूज़ करना चाहो, अगर आपको फिजिकल की वगैरह या कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसके जस्ट नीचे अगर बात करोगे आपको यहाँ पर हैजार्ड लैंप का स्विच जो है वो मिल जाता है। इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका फुल्ली ऑटोमेटिक अलाइनमेंट कंट्रोल AC जो आपको इसके अंदर मिल जाता है। और ये भी इसमें के अंदर भी आपको जो है एक्चुअली फिजिकल की ही मिल जाती है। ये आप देख सकते हो सब फिजिकल की मिल जाती है। फिजिकल की का यही जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको इसके अंदर जब आप कार चला रहे हो उस वक्त आपको यूज़ करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो नहीं होती। एक्चुअली आजकल बहुत सी कारों में टच रिस्पॉन्स दिया जाता है, जो कि मुझे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो रिस्क जो है ड्राइवर को जब आप कार चला रहे हो उस वक्त उसे एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि यहाँ पर आपको फिजिकल की के अंदर वो परेशानी आपको झेलने को नहीं मिलती है। अगर देखो अब हम सेंटर कंसोल की बात करें तो ये जो सेंटर कंसोल है इतना ये ड्राइवर की तरफ जो इतना ऐसे थोड़ा टिल्ट है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी है जो ड्राइवर की विजिबिलिटी है इस मामले में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब अगर इसके भी नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक USB पोर्ट, और यहाँ पर एक 12 पावर सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है मिल जाता है। आप अपने मोबाइल वगैरह जो है और भी यहाँ पर रख सकते हो। और इस तरफ इसके पास ही आपको मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। अब देखो बात करें इसके गियर शिफ्ट की तो काफ़ी स्मूथ। एक्चुअली आप इसे 2 उंगली से भी जो इसका गियर है वो आप इसे स्विफ्ट कर सकते हो। अब अगर इसके पास बात करें तो इसका जो सेंटर कंसोल है इसके अंदर आपको मिल जाता है 2 कप होल्डर। देखो अगर ये जो स्पेस है इसे और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते अगर Hyundai वाले तो कर सकते थे, पर फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर जो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये इसका आर्म रेस्ट जो कि सॉफ्ट टच मटेरियल से बनाया गया है वो मिल जाता है। अब आर्म रेस्ट के अंदर अगर हम स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा स्पेस इसके अंदर हमें नहीं मिलती। यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर भी आपको स्पेस जो है डिसेंट मिल जाती है, और ये कूल्ड आपको इसके अंदर दिया गया है, तो आप अपने गर्मियों में पानी की बोतल वगैरह यहाँ पर चाहो तो रख सकते हो, जिससे आपको गर्मियों में थोड़ी परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसका सन वाइजर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मिरर तो मिलता है लेकिन किसी प्रकार की जो लाइट है वो नहीं मिलती। यहाँ पर आपको एक सन ग्लास होल्डर जो आपको इसके अंदर मिल जाता है, 2 लाइटिंग जो है वो मिल जाती है, और ये दोनों ही लाइटिंग आपको हेलोजन के अंदर मिल जाती है। इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर तो मिलता है लेकिन किसी प्रकार का मिरर या लाइट जो है वो इसके अंदर नहीं दिया जाता। एक्चुअली ड्राइवर के कुछ ज़्यादा काम का होता भी नहीं है। और जो इसका स्टेयरिंग व्हील है ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी कंफर्टेबल पोजिशन में आप आने के लिए आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं होती है।
इंजन वे को ओपन करने के लिए यहाँ पर लीवर है। अब इंजन हुड जो है ये अपने आप इतना ओपन हो जाता है जिससे आपको परेशानी नहीं होती है। अब हुड को करते हैं ऊपर। देखो ये इसका इंजन वे है जिसके अंदर आपको इसके जो इंजन लेआउट है वो कुछ इस प्रकार का एक्चुअली मिल जाता है और काफ़ी स्पेस इसके अंदर मिल जाता है जिससे अगर आपकी गाड़ी में एक्चुअली आपके कार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो भी जाए अगर तो आप उसे अच्छे तरीके से रिपेयर जो आप करवा सकते हो। ESP EBD वगैरह की किट जो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये इंजन इतना ज़्यादा साइलेंट एक्चुअली बनाया गया है कि कंपनी को भी अपने इंजन पर विश्वास है कि उन्होंने जो इंजन हुड है उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का इंसुलेशन जो है नॉइज इंसुलेशन जो है नहीं दिया है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। कैसी लगी आपको हुंडई की i20 स्पोर्ट्स का? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक। अगर ऐसी ही और वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।